नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के अतरी प्रखंड के जीरी पंचायत में। जीरी पंचायत की मुखिया होती हैं नीलम देवी जी। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम अरुण कुमार है। इस पंचायत की जो मुखिया है नीलम देवी जी, उनके ये कार्यवाहक है, मुखिया प्रतिनिधि भी एक तरह से कह सकते हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया है विकास का कार्य बीते वर्ष में, क्योंकि पहली बार ये मुखिया पद पे विराजमान हुए हैं। तो सीधे तौर पे रुख करते हैं अरुण कुमार जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को धन्यवाद, जो आप सबके माध्यम से लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंचेगा, इसके लिए आप सभी को बधाई। और जहाँ तक मेरा आवाज़ जा रहा है, सभी को प्रणाम, नमस्कार, बधाई जी, धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, आप मुखिया पहली बार बने हैं, मतलब पत्नी है आपकी, मुखिया पत्नी पहली बार बनी है, तो आप पंचायत घूमते थे इस टर्म से पहले, तो क्या कार्यवाहक रूप में आप नहीं थे, तो क्या समस्या थी इस पंचायत की? समस्या जो पहले थी वो समस्या आज भी है। साल से पार किया है मुखिया जी के, काम कुछ हुआ है, बहुत से काम बाकी है। तो क्या क्या वादे किए होंगे आपने चुनाव में? हाँ, वादा तो यही था, लोगों के सुविधा पहुँचाना। अच्छा, तो कितना हद तक धरातल पर काम हुआ है? हो रहा है काम, काम प्रगति पर है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, विकास हो गया, ये सब चीज़ हो रहा है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। 15वीं और सस्टम योजना के तहत क्या क्या कार्य हुए? हाँ, 15वीं से भी कार्य हुआ है, नाली बनने का कार्य हुआ है, गली बनने का कार्य हुआ है, और कस्टम से भी, सस्टम से नाली बना है और गली बना है। अच्छा, नल जल की कैसी व्यवस्था है यहाँ? नल जल की व्यवस्था जो पंचायत से नल जल है वो सुधार में है, जो PID से है उसका सुधार नहीं है, वो कोई चालू करने वाला नहीं है, बिगड़ता है तो कोई बनाने वाला नहीं है, उसका ठेकेदार के फोन जाता है तो बिगड़ा हुआ है आज से, तो आवेगा 10-15 दिन बाद आता है, इस तरह की स्थिति बनी हुई। हाँ, नल जल में PHD वाला का अच्छा स्थिति नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? स्वास्थ्य का व्यवस्था तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, चूँकि स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे असुविधा है, 2 मैडम आती है इलाज करने के लिए, लेकिन उन लोग के खुद असुविधा है। अच्छा, तो आदमी क्या सुविधा होगा, आप समझ ही रहे होंगे। किस तरीके का सुविधा है उन लोग को? पानी पीने को नहीं मिल रहा है, बाथरूम वगैरह नहीं है। अच्छा, इस तरह की समस्या आ रही है। सब समस्या है स्कूल की। अब जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ही 10-20 वो जो आस पास के गाँव के लोग आते हैं इलाज के लिए, तो उसको भी तो पानी पीना है, गर्मी का मौसम है, पानी तो सबको चाहिए, वहाँ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, स्कूल की कैसी व्यवस्था इस पंचायत में? स्कूल का भी व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है, शिक्षक लोग टाइम टाइम पर नहीं आते हैं। कितने तक स्कूल चलती है? हाँ, तो 12 तक पढ़ाई होती हाँ, है। हाँ हाँ हाँ, शिक्षक लोग अच्छे नहीं है, टाइम टू टाइम आते नहीं है कि नियुक्ति नहीं है? अच्छा है, शिक्षक में कमी नहीं है। अब भाई हम क्या कह सकते हैं, विशेष नहीं कहेंगे, शिक्षक में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, ऐसा सिस्टम का दोष है? नहीं, सिस्टम का दोष नहीं है, शिक्षक का दोष है, जो टाइम से आते नहीं हैं, टाइम से जाते नहीं हैं, टाइम को दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, अभी क्या मुख्य मांगे रहेंगी आपकी सरकार से इस पंचायत को लेकर? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सब की जांच करें, ताकि सब सिस्टम से सुधार में आवे। अच्छा, पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? हाँ है। आपकी बस डिमांड है सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा इस पंचायत के लिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और भी बहुत से देहात है, देहात में असुविधा है, इसके लिए सरकार से तो हम गुजारिश करें कि भाई हमारे पंचायत में राशि बढ़ाया जाए, क्योंकि कम राशि आता है उससे विकास नहीं हो रहा है हमारा पंचायत में, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरुण कुमार जी, जिन्होंने अपनी समस्या गिनाई है, कुछ जो पंचायत के विषय में, पंचायत के लोगों के हित में जो कार्य करना चाहते हैं, विकास करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उतना फंड नहीं दे पा रही है इनको, जितना इस पंचायत को ज़रूरत है, इस पंचायत के लोगों को ज़रूरत है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत के मुखिया जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार, पटना।